हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में Realme C55 मॉडल पर कैसे आप डिलीट डाटा इसको कैसे आप शो कर पाएंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप स्टार्टअप बस को ओपन करेंगे तो आपका फोन पर आज के दिन पर आपने कितने में यूज किया और इस महीने में आपने कितने में यूज किया तो ये आपका सर पर शो हो जाएगा। कैसे शो करना होगा तो आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। डेली डाटा यूज को शो करने के लिए मैं इस वीडियो में मैं दो प्रोसेस दिखाऊंगा। डाटा यूज को कैसे शो करना होगा इस वीडियो में दो प्रोसेस दिखाऊंगा। तो पहला प्रोसेस, आपको जाना पड़ेगा आपका सेट पर जो है सेटिंग्स को आपको ओपन करना होगा। सेटिंग्स पर मिलेगा आपको मोबाइल नेटवर्क पर आपको प्रेस करना होगा। तो मोबाइल नेटवर्क पर आपको मिलेगा डाटा यूज को प्रेस कीजिएगा। तो डाटा यूज पर आपको मिलेगा डाटा यूज लिमिट पर प्रेस कीजिए। आपको डाटा लिमिट सेट करना होगा। देखिए एक ऑप्शन मिलेगा डेली डाटा यूज लिमिट ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद आपको कोई भी 1 MB सेट करना होगा। अगर आपको डेली 1 GB मिलता है तो आपको 1000 MB सेट करना होगा। अगर आपको डेली 1.5 GB मिलता है तो 1500 MB सेट करना होगा। अगर आपका फोन पर डेली 2 GB मिलता है तो आपको 2000 MB सेट करना होगा। तो इस प्रकार देखिए, अगर आपको 1500 MB सेट करना है तो 1500 MB टाइप करके इधर से आप MB को GB को आप सेट कर सकते हो। तो MB सेट होने के बाद आपको राइट करना होगा तो आपका सेट पर डाटा यूज लिमिट सेट हो जाएगा। डाटा यूज लिमिट सेट होने के बाद अगर आप स्टेटस बार को ओपन करेंगे तो आपका फोन पर डाटा यूज शो हो जाएगा। आज की दिन भर आपने कितने MB यूज किया और इस महीने में आपने कितने MB यूज किया ये आपके स्टेटस बार में शो हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस आपको हेल्प हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये सेटिंग्स करने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सेकंड प्रोसेस को अप्लाई कर सकती हैं। सेकंड प्रोसेस बहुत ही ईजी है। प्ले स्टोर को आपको ओपन करना होगा। प्ले स्टोर में सर्च बॉक्स पर सर्च करना होगा। तो सर्च बॉक्स पर आपको सर्च करना होगा MI कंट्रोल सेंटर MI कंट्रोल सेंटर आपको सर्च करना होगा। तो देखिए MI कंट्रोल सेंटर इंस्टॉल करना होगा। तो MI कंट्रोल सेंटर को आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा। छोटा सा एक एप्स आपको डाउनलोड करना होगा। देखिए MI कंट्रोल सेंटर इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन करना होगा। तो इस प्रकार मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद मैं MI कंट्रोल सेंटर को ओपन करूंगा। देखिए MI कंट्रोल सेंटर ओपन। अलाउ करना होगा। इधर आकर एड्स मिलता है, एड्स को आपको क्लोज करना होगा। एड्स क्लोज करने के बाद इधर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। 3 ऑप्शन को आपको ऑन करना होगा। डुअल सिम ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, ऑन हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी को ऑन कीजिए तो नीचे आपको मिलेगा MI कंट्रोल सेंटर। तो MI कंट्रोल सेंटर पर प्रेस कीजिए। देखिए दोनों ऑप्शन को आपको ऑन करना होगा। देखिए MI कंट्रोल सेंटर देनी है तो आपको अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद आपका फोन पर वो एप्स ओपन हो जाएगा। MI कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। देखिए MI कंट्रोल सेंटर ओपन हो चुका है। तो नीचे आपको जाना होगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा यूज को ओपन कीजिए। एड्स मिलता है, क्लोज करना होगा। डाटा यूज शो मोबाइल डाटा यूज ऑन करना होगा। परमिट यूज एक्सेस को ऑन करना होगा। शो टुडे यूज ऑन कीजिए। वो ऑन करने के बाद आपका फोन पर डाटा यूज शो हो जाएगा। इस प्रकार आपका फोन पर डाटा यूज शो हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।